नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर केयर फार्म में। आज हम बात करेंगे कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई के प्यूपा जब आप मंगाते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई का कल्चर करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है। जैसे ही आपके पास प्यूपा रिसीव होते हैं तो उन प्यूपा को आपको कैसे उनको आगे आपको कल्चर करना होता है, जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है। तो जब भी आप हमारे से ये प्री प्यूपा मंगाते हैं तो ध्यान रखें, हमेशा अगर कुरियर से आपको मंगाना है तो प्री प्यूपा ही मंगाएं, आप एग्स ना मंगाएं। तो इस तरीके से बॉक्स में पैक करके हम आपको प्री प्यूपा भेजते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये प्री प्यूपा हैं। प्री प्यूपा सारे के सारे मूवमेंट करते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपके पास पहुँचे हैं तो वो लाइव हैं या नहीं है। जब भी आपके पास पहुँचेंगे तो सारे मूवमेंट कर रहे होंगे। ये चारों तरफ आप बॉक्स के देख रहे हैं, ये होल किए हुए होते हैं जिससे कि इनको ऑक्सीजन मिलती रहे प्रॉपर। और ऐसे ही इसके कैप के ऊपर भी हम इसी तरीके से, इस कैप पे भी आप देख रहे हैं ये होल किए हुए हैं, ये होल कर देते हैं और इसको कैप को लगा के और इसको पैक करके कार्टन में, उस कार्टन में भी होल करते हैं और कुरियर से आपको भेज देते हैं। अगर आपको प्यूपा मंगाना हो तो आप 888-888-256 पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें उस पर, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपके पास प्यूपा रिसीव होता है तो आपको इस तरीके का एक बॉक्स लेना होता है। ये बड़ा बॉक्स, ये कम से कम 5-6 लीटर का बॉक्स है। इस बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और ये है राइस हस्क। ये राइस हस्क इसलिए इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं कि इसके अंदर वो बैठ जाएं और छुपे रहें उसके अंदर। ये ज़्यादा नहीं डालनी है, ऐसा नहीं कि आपने बॉक्स को भर दिया, थोड़ा सा एक लेयर डालनी है नीचे और उसमें इन प्री प्यूपा को रख देना है। तो जैसे जैसे ये फ्लाई में कन्वर्ट होंगे और ये बॉक्स में ऊपर ऐसे ये छेद भी कर देने हैं स्टार्टिंग में, जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिलता रहे। ऊपर से आप कैप लगा दें कि फ्लाई उड़ ना पाए। ये बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं फ्लाई कन्वर्ट हो गई हैं, बहुत सारी फ्लाई इसमें कन्वर्ट हो गई हैं फ्लाई में प्री प्यूपा। इस तरीके से कंटेनर लेना है, ये कार्टन, और कार्टन के अंदर इस कंटेनर को आपको रख देना है, क्योंकि ये जो प्री प्यूपा है इनको लाइट पसंद नहीं होती है, ये डार्क में रहना पसंद करते हैं। और इस बॉक्स को भी आप डार्क में रखें, क्योंकि इसको डायरेक्ट हमें अपने जो फ्लाई केज है उसमें नहीं रखना है, क्योंकि फ्लाई केज हमारा सनलाइट में बाहर रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से बॉक्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्री प्यूपा मर सकते हैं। ये हमारा लव केज है जिसमें आपको फ्लाई को रखना होता है, इसको आपको सनलाइट में रखना होता है, क्योंकि सनलाइट रहेगी तभी ये मेटिंग करेंगे। इस लव केज के ऊपर ये जो टॉवल है, ये इसको भिगा के इसके ऊपर बार बार रखते रहते हैं जिससे कि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, टेम्परेचर भी थोड़ा कम रहे और थोड़ा सेड रहे इसके अंदर, तो ज़्यादा धूप में इनकी मोटिलिटी ना हो। ये जिप है, इसमें आप देख रहे हैं ये यू में लगी हुई है ताकि ये जब भी आप खोलें तो ये पर्दे की तरह नीचे गिरा हुआ रहे। और ये कैप खोल के हमने इस तरीके से यहाँ पे इस बॉक्स को लगा दिया। अब इस बॉक्स के अंदर जितनी भी फ्लाई होंगी वो सारी फ्लाई केज में उड़ के चली जाएंगी, और बाद में हम इस बॉक्स को वापस उसी अपने कार्टन में डार्क प्लेस में रख देंगे। इसमें दोनों साइड से जिप होनी चाहिए, ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, तो उससे आपको ज़्यादा ईजी रहता है इसमें काम करने पर, कि जहाँ पर मर्जी आप वहाँ पर इसको खोल सकते हैं। तो बाकी एरिया आपका बंद रहेगा, जितना आपको ओपन करना है उतना ही ओपन होगा। और ये यू में, यू टाइप में आप इस जिप को लगवाइए जिससे कि ये नीचे की तरफ रहे, और फिर इस जिप को हमने बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा कि फ्लाई आपकी बाहर नहीं उड़ेंगी। अगर आपका ये उल्टे जिप में रहेगी तो आपके नीचे की तरफ खुलेगा इसका, तो उसमें ज़्यादा ओपन रहेगा तो फ्लाई उड़ सकती हैं आपके बाहर। और ये इसी के अंदर आपको ये एगीज रखी हुई हैं और इसमें ये मेटिंग करेंगी, इसी में एग लेइंग करेंगी। ये ब्रिक्स इसलिए रखे हुए हैं कि हवा में ये उड़े ना, और ये एगीज हैं जिनके अंदर ये एग्स लेइंग करती हैं। ये बीच में कार्डबोर्ड भी, ये भी एगीज बना के रखी हुई हैं, और इनके नीचे एक बॉक्स है जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं उनको एट्रैक्टेंट, जिससे कि स्मेल आती रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।